हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिस्टर टीचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में जो अलग अलग टाइप के सेंसर यूज होते हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंसर है मैप सेंसर, यानी मास एयरफ्लो सेंसर। इसे हम मैप सेंसर भी कहते हैं। मास एयरफ्लो सेंसर एक ऐसा सेंसर होता है जो इंजन में जा रही मास को कैलकुलेट करता है, और यही जो इन्फॉर्मेशन होती है ये इंजन कंट्रोल यूनिट यानी ECU के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग इंजन में सही अमाउंट में फ्यूल का सप्लाई किया जाता है। ये सेंसर मेनली एयर फिल्टर और इंटेक मैनिफोल्ड के बीच में फिट होता है। सेकेंड सेंसर की बात करते हैं हम, इंजन स्पीड सेंसर। फ्रेंड्स, इंजन स्पीड सेंसर एक ऐसा सेंसर होता है जो इंजन में क्रैंकशाफ्ट के साथ फिट होता है। इस सेंसर का काम क्रैंकशाफ्ट की रोटेटिंग स्पीड को मॉनिटर करना होता है, जिसका यूज इंजन फ्यूल इंजेक्शन और इंजन टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। थर्ड सेंसर है ऑक्सीजन सेंसर, जिसे हम O2 सेंसर भी कहते हैं। ऑक्सीजन सेंसर इंजन के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और कैटलेटिक कन्वर्टर के बाद लगा होता है। इस सेंसर का काम होता है कि जब भी इंजन के एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के द्वारा बाहर निकल रही होती है, उस गैस एग्जॉस्ट गैस में से अनबर्न्ड ऑक्सीजन को ये सेंसर मेजर करता है और कैलकुलेट करके बताता है कि जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर कम्बशन चैम्बर में कम्बशन हो रहा है, रिच कम्बशन हो रहा है या लीन कम्बशन हो रहा है, और यही इन्फॉर्मेशन इंजन कंट्रोल यूनिट के द्वारा गाड़ी के इमिशन को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। यही मेन काम होता है ऑक्सीजन सेंसर का। फोर्थ है हमारा स्पार्क नॉक सेंसर। स्पार्क नॉक सेंसर फ्रेंड्स इंजन में ये कैलकुलेट करने के लिए लगाया जाता है कि जो कम्बशन चैम्बर में कम्बशन हो रहा है वो स्मूथली हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये जो कम्बशन के अंदर कम्बशन हो रहा है वो स्मूथली नहीं होता है तो उसे एक अनएक्सपेक्टेड इग्निशन माना जाता है, जो इंजन के लिए बहुत डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा होने पर इंजन के अंदर पिस्टन रिंग, हेड गास्केट और कनेक्टिंग रोड का वेयर एंड टेयर होने का खतरा बढ़ जाता है, जो इंजन के लिए बहुत डेंजरस होती है। तो स्पार्क नॉक सेंसर को इसी काम के लिए इंजन में फिट किया जाता है कि ये श्योर करता है कि इंजन के अंदर हो रहा है वो स्मूथली हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिफ्थ सेंसर है कूलेंट सेंसर। इंजन कूलेंट सेंसर इंजन में जितने भी सेंसर लगे होते हैं उन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट सेंसर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इंजन में कूलेंट सेंसर जो भी इनपुट या सिग्नल ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को देता है उसी के अकॉर्डिंग इंजन के बाकी फंक्शन होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। जैसे कि इंजन में अर्ली फ्यूल एवेपोरेशन सिस्टम होता है, ये कब एक्टिवेट होना है कब डीएक्टिवेट होना है, या स्पार्क प्लग से जो स्पार्क हो रहा है वो कब एडवांस होना है कब नॉर्मल होना है, ये सब हमारा इंजन के इंजन कूलेंट सेंसर के इनपुट या सिग्नल के ऊपर डिपेंड करता है। ये सेंसर मेनली इंटेक मैनिफोल्ड या इंजन हेड में फिट होता है। अब हमारा सिक्स्थ सेंसर है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, जिसे हम नॉर्मली मैप सेंसर भी कहते हैं। ये सेंसर इंजन के इंटेक मैनिफोल्ड में लगा होता है। ये सेंसर इंजन के ऊपर पड़ने वाले लोड को सेंस करता है, यानी कि इंजन के ऊपर जितना लोड पड़ता है ये मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर के द्वारा ही किया जाता है। ये सेंसर इंजन मैनिफोल्ड का जो प्रेशर होता है और जो उसके आउटसाइड का प्रेशर होता है उन दोनों के डिफरेंस को मेजर करता है, और ये डिसाइड करके बताता है कि इंजन जो है जो प्रेशर चेंज हो जाएगा तो उस प्रेशर चेंज होने की कंडीशन में वर्किंग के कैपेबल रहेगा या नहीं रहेगा, और इस हिसाब से ही जो इंजन के अंदर फ्यूल इंजेक्ट हो रहा होता है वो भी एडजस्ट होता है। मैप सेंसर का मेन वर्क होता है, जैसे कि इंजन के ऊपर यदि ज़्यादा लोड पड़ रहा होता है तो फ्यूल भी ज़्यादा इंजेक्ट हो रहा होता है उसके अंदर। सेवन्थ है फ्यूल टेम्परेचर सेंसर। फ्रेंड्स, व्हीकल में फ्यूल टेम्परेचर सेंसर को फ्यूल का टेम्परेचर कंटिन्यूसली चेक करने के लिए लगाया जाता है, चाहे व्हीकल में फ्यूल ज़्यादा यूज हो रहा हो चाहे कम यूज हो रहा हो। फ्रेंड्स, व्हीकल में अगर फ्यूल ठंडा होगा तो वो जलने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा, और अगर वही फ्यूल वार्म होगा तो वही फ्यूल जलने के लिए कम टाइम लेगा। तो ये जो कम और ज्यादा का डिफरेंस होता है टेम्परेचर में, ये ऑटोमोबाइल के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं उनको डैमेज पहुंचा सकता है। इसी डैमेज को रोकने के लिए इंजन में फ्यूल टेम्परेचर सेंसर का यूज किया जाता है। ऑटोमोबाइल में फ्यूल टेम्परेचर सेंसर जो इंजन में फ्यूल इंजेक्ट हो रहा होता है उसके टेम्परेचर और स्पीड दोनों को मॉनिटर करता है, जिसके कारण ऑटोमोबाइल इंजन प्रॉपरली तरीके से वर्क करता रहे। तो गाइस, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।